तो क्या इंडियन सिनेमा मार्वल लेवल का काम कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसी बहुत सारी मूवी सुपर हीरो पे बन चुकी है जो कि हमें एक सुपर हीरो का पूरे यूनिवर्स दे सकती है। अभी मैं आज बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की कुछ ऐसी सुपर हीरो मूवी के बारे में जिनका VFX और CGI काफी बढ़िया था, जो कि मार्वल के लेवल का था, और हाँ इनकी स्टोरी भी काफी बेहतरीन थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज तक इंडियन सिनेमा हमें कोई भी सुपर हीरो यूनिवर्स क्यों नहीं दे पाया। तो देखो यार, इंडियन सिनेमा में कई सारी ऐसे सुपर हीरो मूवीज तो बनी हैं जिनका VFX और CGI काफी बढ़िया था। उससे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड को कुछ ऐसी खामियों के बारे में कि हमें आज तक सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं देखने को मिला। हाँ, मैंने इससे पहले एक बात की थी कि इंडिया में कॉप यूनिवर्स और स्पाई यूनिवर्स बनने जा रहा है, लेकिन हमें तो सबसे ज्यादा मजा आएगा सुपर हीरो यूनिवर्स देखने में। तो बात कर लेते हैं बॉलीवुड कुछ ऐसी खामियों के बारे में। सुनो, वही बात की जाए इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी खामियों के बारे में, तो सबसे पहले ये लोग नेपोटिज्म के पीछे ज्यादा भागते हैं, और कुछ मूवी इनकी इतनी बेहतरीन, अगर उन मूवियों को अगर ये जोड़े तो ये मार्वल और DC तक का लेवल तक काम कर सकते हैं। तो इंडियन सिनेमा या आज तक समझ ही नहीं पाया कि इंडियन सिनेमा के ऑडियंस को क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये एक दो मूवी बनाते हैं, उनको डालते हैं और पैसे कमा के घर निकल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए इनको कुछ ऐसी तगड़ी मूवी देने के बारे में, तो इनके कदम पीछे हट जाते हैं। वहीं मार्वल और DC ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उनकी ऑडियंस मांगती क्या है। तो उनकी ऑडियंस मांगती है एक सुपर हीरो यूनिवर्स, जो कि इंडियन सिनेमा हमें आज तक नहीं दे पाया। लेकिन वहीं इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी मूवीज भी है जिनका VFX और CGI मार्वल और DC को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले मूवी आती है रावण मूवी, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी का स्टोरी लाइन और VFX भी काफ़ी तगड़ा था। दूसरी मूवी आती है क्रिश 3, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी का VFX और CGI भी काफ़ी बढ़िया था। और इस मूवी की बात की जाए इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो वो भी मेरे को काफ़ी पसंद आई थी। और तीसरे नंबर पर आती है रोबोट और 2.0, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की स्टोरी लाइन और इस मूवी में जो एक रोबोट नाम का कैरेक्टर रहता है वो भी काफ़ी बढ़िया था, और उसका CGI भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था हमको। बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो भी काफ़ी बढ़िया लगी थी ऑडियंस को, जिसके कारण 2.0 भी आई है। और सबसे लास्ट और सबसे आखिरी मूवी के बारे में बात करूँ तो उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसका VFX और CGI मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, और ऑडियंस को भी इसका VFX और CGI काफ़ी बढ़िया लगा। वही ये मूवी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसी गई थी, जिसके कारण ये मूवी बॉयकॉट होने के कगार में थी, लेकिन इस मूवी का VFX और इस मूवी की तगड़ी स्टोरी लाइन ने इस मूवी को बचा लिया। और इंडियन सिनेमा ये बात आज तक नहीं समझ पाया। देखो, बच्चे जवान हो रहे हैं और जो बूढ़े थे वो और भी बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन जो आने वाली नई जनरेशन है उसको चाहिए क्या? अगर ये इंडियन सिनेमा समझ जाए तो इंडियन सिनेमा किस लेवल तक जा सकता है ये मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे आपको सुपर हीरो यूनिवर्स चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।